भाई, आज हम बनाएंगे पानी पूरी। और पानी पूरी के लिए हम आज पानी बनाएंगे, वो देखिए कि ये आप देख रहे हैं कि बाउल में मैंने धनिया, पुदीना और मिर्ची तीन चीज मैंने डाली है। अभी इसको मैं क्रश करूंगी और पानी बनाऊंगी। आइए, ये देखिए मैंने क्रश कर लिया है। फिर हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार डालेंगे। देख रहे हैं आप पानी, नमक डालेंगे। पानी बनाने के लिए एक कप हमने धनिया डाला है और एक कप पुदीना डाला है और हाफ कप मिर्ची डाली है। स्वाद अनुसार हम तीखा बना सकते हैं। और इसके अंदर जो पानी डाला है हमने दो ग्लास करके पानी डाला है। अभी ये पानी को हम छान लेंगे। आप देख रहे हैं मैंने पानी को छान लिया है। अब हम पानी पूरी का मसाला डालेंगे स्वाद अनुसार। ऐसे हिला देने का मसाला। हमारा पानी रेडी हो चुका है। अब हम आगे देखेंगे कि मसाला कैसे बनाते हैं उसका। ये आप देख रहे हैं आलू को मैंने उबाल लिया है और ये चना है, चने को भी उबाल लिया है। कम से कम हमने 5 सीटी लगाया था कुकर में। देखिए इसके छिलके मैंने निकाल के ही उबाल लेते हैं। इसके छिलके निकले हुए हैं। अब हम डालेंगे चना और थोड़ा सा नमक डालेंगे। देखिए चना डालूंगी मैं। अब नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर हाथ से ही हम करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी पूरी का मसाला डालेंगे और संचर हो तो हम संचर भी डाल सकते हैं। अब हम थोड़ी सी प्याज डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डाला है और ऊपर से भी हम डाल सकते हैं प्याज। और ये जो पूरी है वो हमने ऑलरेडी बाहर से रेडीमेड लेके रखी है। देख रहे हैं आप इसको हम खोलेंगे। अब हम मसाला भरेंगे। अब देखिए मसाला डालेंगे इसमें। ऐसे हम तोड़ेंगे पूरी को एकदम हल्के हाथ से, क्योंकि ध्यान रख के तोड़ेंगे, क्यों नहीं तो पूरी टूट जाएगी हमारी। देखिए ऐसे हम सब पूरी में मसाला डालेंगे। देखिए हमारी पानी पूरी रेडी हो चुकी है और इसको हम पानी के साथ खा सकते हैं जो हमने पानी बनाया है। ये हम चटनी भी डाल सकते हैं ऊपर से। देखिए हमारी पानी पूरी रेडी हो चुकी है।